क्रिसमस डे पर्व से पूर्व ही आगमन के तीसरे रविवार को शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। रविवार को चर्च में मसीही समुदाय की बच्चियों और महिलाओं द्वारा विशेष प्रार्थना की गई। इस दौरान कोविड-19 की जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन किया गया। विशेष प्रार्थना के बाद क्राइस्ट चर्च के प्रभारी रेवरेंड डीआर लाल ने बताया कि परमेश्वर के सामने जो हम प्रार्थना करते हैं वह प्रभु स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा से हो प्रार्थना तो प्रभु स्वीकार करता है। हम याद करें उन हाथों को जिसने सुंदर प्यारा सा चर्च बनाया है। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने सुंदर मन को सुंदर बनाना चाहिए। जहां हम जाते हैं वहां पिता परमेश्वर कृपा करते हैं। जो परमेश्वर ने भवन हमें दिया है उसी भवन में आज हम लोग बैठकर प्रभु को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे हम बुरे प्रभावों से लड़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया जिस पर हमें अमल करना चाहिए। इस मौके पर मसीही समुदाय के तमाम लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के प्रभारी रेवरेंड डीआर लाल ने कहा, रेवरेंड डी आर लाल है। मैं प्रभारी हूँ क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक गोरखपुर का और साथ ही साथ मैं डायसिस ऑफ लखनऊ का खजांची भी हूँ, ट्रेजरर हूँ। देखिए आज जो है वो एडवेंट का तीसरा रविवार है, अर्थात क्रिसमस के पहले चार रविवार जो हैं उसे सारा मसीही समुदाय जो है वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आगमन के रविवार के रूप में मनाता है। जो सांसारिक दृष्टिकोण है उसमें लोग ऐसा समझते हैं कि इसे हम बड़े दिन के आने की तैयारी, जो सांसारिक तैयारी है यानी कि घरों की सफाई, रंगाई पुताई, सजावट, नए नए कपड़े बच्चों को पहनाना और तरह तरह के जो फंक्शन से संबंधित तैयारियां हैं उसकी तैयारी के लिए होता है। लेकिन वास्तविकता इसकी ये है, जो आत्मिक रूप से इसे हम मनाने का जो विशेष कारण है वो ये है
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि संसार के अंत में उनका पुनरागमन होगा और उस समय सारी मानव जाति का वो न्याय करेंगे। तो ये आगमन जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के पूर्व हम चार रविवार मनाते हैं, तो इसका मुख्य मनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम वास्तविक रूप से कितना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, कितना हम उनसे प्रेम करते हैं, कितना उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं और कितनी हम धार्मिकता को निभाते हैं, जिससे जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा इस संसार में न्याय के लिए, तो हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने को सिद्ध करने पाएंगे कि हमने अपने जीवन काल में धार्मिकता को पूरा किया है। और जो सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी है, यीशु मसीह ने, वो हमें दी है, प्रेम सिखाया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात यीशु मसीह, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो जो क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया वो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए दिया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। और यही एक फ़र्क है, क्योंकि अगर वास्तविक रूप से देखें आप तो इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी और ऐसा अच्छा कार्य करने वाले लोग उत्पन्न हुए और वे उत्पन्न होकर उन्होंने अच्छे कार्य किए संसार में मानव के प्रति, मानवता के प्रति, और वह मर गए। लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जो तीसरे दिन मृत्यु के पश्चात वो पुनर्जीवित हो गए, और ये पुनर्जीवित होने की घटना कोई आकस्मिक नहीं थी, परंतु इसका भविष्यवाणी वर्षों, कई हजार वर्ष पूर्व जो है वो भविष्यवक्ताओं ने कर रखी थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे, वो इस संसार में मानव जाति के लिए अपने प्राण को देंगे बलिदान स्वरूप, और फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। और इस पर विश्वास लाने के द्वारा ही सारी मानव जाति जो है उद्धार प्राप्त कर सकती है। तो हम ये चार रविवार जो है उस आगमन की तैयारी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रविवार का तो आप जानते हैं, वैसे भी सारी रविवारों को हर जगह सारे विश्व में चर्चेज में आराधनाएं होती हैं, लेकिन ये चार रविवार हमारे लिए विशेष होते हैं। किंतु फिर भी आज वर्तमान जो हमारी परिस्थितियाँ हैं इस विश्व की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और गोरखपुर की, कि ये COVID-19 की वजह से जो संक्रमण है, जो आपसी मतलब मिलने से जुलने से, और ये संक्रमण जो है बढ़ता है, इसलिए जो हम सरकारी दिशा निर्देश है उसके अनुसार सारी आराधनाओं को हम करा रहे हैं, और हम सीमित, जो सरकार ने सीमित किया है उतने संख्या में लोगों को अंदर प्रवेश देते हैं, उनको मास्क लगाने का निर्देश देते हैं, वो जो दो गज की दूरी है उसको बनाने का निर्देश देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम इस माह में और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस अर्थात क्रिसमस में करते थे, लेकिन हमें उसे स्थगित करना पड़ा ताकि किसी प्रकार का संक्रमण भीड़ से ना हो, क्योंकि बड़ी भीड़ होती है। अभी 25 तारीख को जो हमारी आराधना होगी उसमें केवल ईसाई समाज नहीं बल्कि पूरे गोरखपुरवासी जो हैं वो टूट पड़ते हैं और चाहते हैं कि वो भवन में आ जाएँ, बट इस बार हम सहयोग चाहेंगे प्रशासन का कि वो पुलिस का सहयोग दें हमें, ताकि हम सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दें। नो डाउट अगर लोग आए हैं यहाँ पर आराधना करने के लिए श्रद्धा के साथ, तो हम कई ट्रिप्स में कर देंगे, जैसे एक बार हमने 100 लोगों को प्रवेश दिया, बाकी लोग बाहर से या तो माइक से सुन सकते हैं या फिर हमको दोबारा बुला के अंदर हम उनको बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा हमने प्रबंध किया है इस वर्तमान परिस्थिति को कोविड की देखते हुए, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण और अधिक न फैले, और हमारी प्रार्थनाएँ निरंतर सारे विश्व के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और विशेष तौर से गोरखपुर के लिए हम निरंतर करते हैं, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अभी हमारे देश की स्थिति बहुत ऐसी नहीं बिगड़ी है अन्य देशों की तुलना में, यह प्रार्थनाओं का असर है, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के इस वर्ष के अंत के साथ साथ इस बड़ी महामारी का भी अंत करेगा।